हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ मारने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद जहां प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, वहीं मार्केट कमेटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी प्रदेश भर में हड़ताल पर चले गए हैं। मार्केट कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा करते हुए कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर अपना रोष प्रदर्शन किया। वहीं सरकार से बीजेपी नेत्री की मामले में तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बीजेपी नेत्री की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि जिस प्रकार बीजेपी नेत्री ने एक अधिकारी के साथ किया वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री सुल्तान सिंह जी सेक्टर मार्केट कमेटी के साथ सोनाली फोगाट ने बहुत ही भद्र व्यवहार किया है, उसके विरोध स्वरूप में हमने ये धरना प्रदर्शन किया है कि हमें न्याय दिलाया जाए और सोनाली फोगाट के खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में जल्दी से जल्दी लाई जाए। ये कब तक चलेगा धरना? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो भी घटना घटी है तो इसलिए हम आज यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जब तक सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये ऐसे प्रदर्शन चलेगा और हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आगे ऐसे किसी भी कर्मचारी पर इस तरह का कोई अत्याचार ना हो, कोई ऐसे मारपीट ना हो। बहुत नज़र गलत हुआ है सेक्टरी साहब पे। ये पहले हमारे कुमार भी रह ली, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है। जो कल ये वो ही है उसकी हमें गौर निंदा करते हैं और हम तो यही कहते हैं भी जो हमारे मुलाजम है पर विजय इन्हीं की सुरक्षा नहीं रही, इनके साथ हमारी सुरक्षा है। जी यही सुरक्षित नहीं, फिर हम कहाँ से सुरक्षित है? सत्ता के नशे में हुआ, ये कोई वैसे थोड़ी हुआ। अब हम बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी। हमारे एक अधिकारी को सरेआम पीटा गया है, अब आप ये बताइए कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें? जब एक अधिकारी को पीट दे तो ये कर्मचारी बेचारे कैसे जाएंगे? हमारे को सुरक्षा चाहिए। अगर उन्होंने मेरे सेक्रेटरी ने मान लो कुछ बोला है तो उसके लिए कानून था, क्या वो जनप्रतिनिधि हैं? ऐसे पिटाई होगी गुंडों से? सरेआम पहले तो उसको शेड में ले जाके पिटा गया है, जब वो बेहोश हो गया बेचारा भागता हुआ एक दुकान में घुसा, वहाँ मैडम ने पिटा उसको। ये बताइए किसी हक के साथ उसको पिटाई की गई है?